धोखे का जवाब बदले से देंगे। पर मैं घबरा गई। टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। मैंने कहा तू एक कुर्बानी मत दे। ये इंडियन घरों की कहानी है। क्या रो देता क्या करना क्योंकि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देख ले यार, एक तो ना ये जिस दिन दही जमाओ उस दिन ऐसे ही रहता है कि है ना, सुबह उठ के पहले तो ये देखो कि जमी या नहीं जमी। हमारी नन्ही परी जम गई। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? हम तो बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया हो गए आई एम श्योर। तो आज एक्चुअली हमारे यहाँ ना कुछ गेस्ट ने आना है डिनर पे, हमने इन्वाइट किया हुआ है, तो आज उसकी तैयारी करेगी मोट्स। और ये करेगा कुछ भी नहीं, वाह 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 वाह। नहीं पर लड़का बना रहा, बहुत कुछ करता है। वैसे तो ये पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार था, कहता कि पूरा डिनर मैं बनाऊंगा, पर मैं घबरा गई। मैंने कहा तू ये कुर्बानी मत दे। तो गाइस मोट्स, आज जिन लोगों ने आना है उस उनके लिए तैयारी कर रही है, वो रिफिल कर रही है सारे। इसे देख के ना मुझे मम्मा की याद आ गई। घर पे भी गेस्ट आते थे ना, पूरा घर उथल पुथल हो जाता था, चाहे गेस्ट ने आने एक आधे घंटे के लिए, मैं बस वो मेंटेलिटी नहीं समझ पाता। इंडियन घरों की कहानी है। तुझे पता वैसे तेरी किस्मत अच्छी तो है, बट एक चीज में थोड़ी सी बुरी हो जाती है। ऐसे मेरी किस्मत तो बुरी है नहीं। मैं ना जिस दिन तेरा ऑफिस था तो उस दिन गुरुद्वारा साहब गया था माथा टेकने, तो मैंने लंगर भी छका। गैस कर लंगर में क्या था। तू जब भी जाता है, ये जब भी जाते हैं इसको कुछ बहुत बढ़िया मिलता है। मैं जब भी जाती हूँ मेरे को दाल मिलता है। उस दिन था पनीर। ऐश तो इसी की है। टेस्टी था यार। मुझे ऊपर से नए मसाले वाला पैकेट भी दे दे। ये ना जो छोटे लोग होते हैं हाइट में। दे दे। क्या नए मसाले वाला पैकेट। तो गाइस आज मौसम सच्ची में बहुत ही, मतलब अभी आज का धूप निकली हुई है। ये क्या है? ये है मेरी कल की शॉपिंग। मिल गया फाइनली, अच्छे अच्छे शेड्स हैं। ऊंट है ये? आई डोंट नो। सो गाइस अभी मैं आया हूँ डे टू डे, क्योंकि हमने बनानी है खीर, और खीर के लिए अभी हमारे पास चाय का भी दूध नहीं है मतलब। सो गाइस दूध तो मैं ले आया, पर मोड से लगी हुई है जोरदार सफाई पे। अभी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। चमका दिया इसने। होइंग होइंग। ये दूध पकड़ना। राइस, खीर, ये क्या था? चने। चने। खीर तो मुझे लगता है मैं पहले ही खा लूंगा। तो वो कौन सा भोग लगाना होता है? तो गाइस मोट्स का लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम चेंज हुआ। मोट्स कहती कि अब थोड़ा सा लोकेशन चेंज करनी है। यार देख, ऐसा करने से क्या ना, वहाँ पे सारे लोग एक साइड हो जाएंगे ना आराम से। वैसे ये सेटिंग भी मुझे अच्छी लगी, नॉट बैड फॉर अ चेंज। ओए ध्यान से। क्रियाक्रम हो जा रहा था अभी। गलती ये हुई कि उस समय मोबाइल भी डेड हो गया था और हम शूट नहीं कर पाए जब आए गेस्ट हमारे, और इसलिए आप मुझको देख के समझ सकते हो कि कोई तो आया ही होगा। और ये इतने सारे क्रॉकरी जो आज तक हमने यूज नहीं की थी, इससे पता चलता है कि हाँ ये सारी क्रॉकरी निकली हुई है। फोन कैसे चिल्ला रही है? रुक जा। अब इस आदमी से ये पूछो कि साल भर की शॉपिंग एक एक चीज की, ठीक है, चम्मच कटोरी कड़छी प्लेट सब मिला, कोई एक भी चीज फालतू है? जवाब दे, फोन मुझे दे, मुझको दे फोन। तो देखो ये गवाही दे। ये होता है कि जैसे ही आप सामान खरीदते हो ना, तो आपको लगता है सब वेस्ट ले रहे हो ना। और आज तक पिछले एक साल में हमने जितना भी क्रोकरी खरीदी है सब इसने ये बोल के लिया है कि अगर कोई गेस्ट आए। उल्टा मुझे लगता है कटोरियां कम पड़ी। देखो भाई, जहाँ तक कटोरियों की कहानी, मेरे को पता था, पर मैंने कहा अभी मैं बोलूंगी आदमी रोएगा, मैं कहा चलो इसे इस पर एहसास होने दो, मैं कहा कोई ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे। तो और लेके आएंगे अभी। अच्छा, मैं अभी सोच ही रहा था कि कटोरी। अगर ये बात मैं बोल देती ना इसको कि चल यार दो चार ले आते हैं, रो देता क्या करना। यहाँ पे वो बोल, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दे। मैं ये शपथ लेता हूँ। किस पे हाथ रख के? मैं यूट्यूब की शपथ लेता हूँ। कटोरिया लाएगा कि तुझे कटोरिया दिलाई जाएंगी। कितनी? क्वांटिटी कब और कैसे? कब तो चलो इसी महीने आ जाएंगी। अच्छा, ये भी फाइनल है? सोच ले, जो मैचिंग की नहीं मिली तो
बट द क्वांटिटी जो होगी वो मेरे कहे की मैचिंग नहीं मिली तो मैं नहीं लूंगी, इसलिए अभी भी चेंज कर ले शपथ। मैचिंग नहीं हुई तो फिर नहीं खरीदेंगे बस। बट अभी कल मिलते हैं आप लोगों को। चलो भाई अभी सो रहे हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। और जो हमने कल खाना बनाया था ये सुबह सुबह उठ के लग गई पेल ने, भूख लगी है। ये देखो ऐसे कंफ्यूज है ना, जब पार्टी के बाद खाना खाने में बड़ा मजा आता है जो कि क्या क्या डाल ले खाना। अभी बस चाय शाय पी और फिर मैं कहा चले थोड़ी वॉक पे जाते हैं। आज मैं तो कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा मेरा, और यहाँ पे ना मजा ही आता है क्योंकि एक हल्की हल्की बारिश हो रही और देखो कोई नहीं है। गाइस टेम्परेचर बड़ा चिल्ड हो रखा है, मतलब आई एम नॉट श्योर माइनस एक या दो तक होगा शायद से, और अभी बस नहीं आई है। सो गाइस अभी जिम जुम कर लिया, नहा धो लिए और अभी यहाँ पे बारिश हो रही है थोड़ी सी, बट अभी हवा नहीं चलती, अच्छी बात ये है, वरना जिम करके ना जब बाहर आओ नहा धो के तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। संडे के चक्कर में ना यहाँ पे सारी पार्किंग फुल है, इसलिए मैं देखो वहाँ वो रही जलेबी, इतनी दूर पार्क करनी पड़ी। एक तरफ तो दिल कह रहा है कि भाई अपना चुपचाप कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाओ हल्के से लाइट, दिल कह रहा है कि यार चलो पूरी खा लो। सो गाइस फाइनली हमारा हेल्दी जीत गया, तो ये कॉर्नफ्लेक्स दूध दूध के अंदर थोड़े से डेट्स डाले हुए हैं और ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे, एप्पल हो जाएगा। तो गाइस आज का दिन हुआ खत्म और अब हुई है मेरे हाफ वीकेंड की शुरुआत, पर आज हम जा रहे हैं, अब हम फाइटर देखने। हमने दोपहर में ही प्लान बनाया, बड़े से मन था कि ना कहीं चलते हैं तो कुछ तो समझ नहीं आया, तो हमने सोचा कि फाइटर ही देखा है। तो बस अभी सुमित पिक करने आएगा और हम डायरेक्ट ही यहाँ से फाइटर के लिए जाएंगे। कितना पता नहीं 6:10 या 6:15 कुछ का शो है आज। गाइस मेरा टिफिन ना सुमित ने पैक किया, उसने ना मेरे को एक दिन के लिए 2 लंच दिए। चलो ठीक है, कभी कभी साइड में एक छोटा टिफिन मैं ले आती हूँ जब मुझे संडेज को काम करना होता है। भाई उसने ना पता नहीं मेरे को 4 या 5 पूरी दी मेरे साइड टिफिन में, मैंने कहा साइड दिया है या पूरे को पूरा स्नैक, और पूरा पूरा दूसरा वाला बॉक्स भर के मेरा रेगुलर टिफिन भर के राइस दिया, और क्योंकि मेरा फेवरेट खाना था ना इसलिए उसने मेरे को भर के ऐसे डबल दिया था। पेट फट गया मेरा आज तो। गाइस हमारा फाइटर लड़का आ गया है मुझे बीच रास्ते पिक करने ताकि मुझे फाइटर दिखाने लेके जा सके। गाइस हम सुपर लेट तो नहीं है, सुपर लेट ही बोल, 5-6 नहीं 6-7 मिनट लेट है, पर आई डोंट थिंक इतनी जल्दी अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे फिर वॉशरूम भी जाना है मुझे। जल्दी चल, चलो 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 गाइस अभी शुरू भी नहीं हुई, अभी रो रहा था बच्चे की तो बच्चे। सो गाइस हम 3D ग्लासेस उठाना भूल गए, तो अभी 3D ग्लासेस लिए हैं। सारी गाड़ियों सफेद है, सारी गाड़ियों में ना थोड़ी थोड़ी सफेदी आ रखी है, ये हो रही है ये ना भी मूवी देख के आई है फाइटर, तो उसका असर हो गया। चल आ जा, ये रोजर रोजर कर रही है, हो रही गाड़ी। मुझे ऐसा असर हुआ था जब मैंने गधा देखी थी। मूवी देख के ऋतिक रोशन का भी मन करेगा कि अरे मैं फाइटर पायलट ही होता। बाहर खड़ेगी ऊपर छत पे फाइटर जेट की फील दिलाता हूँ पूरी स्पीड में। We are sitting inside the target, Roger. We have captured it. Snow ने धोखा दिया है, अब हम धोखे का जवाब बदले से देंगे। इस बार तू गैस डलवाएगी? मैंने पिछली बार भी डलाई थी। प्रैक्टिस कर, उसने बोला था ना तीन ही चीजें चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओ डलने लग गई फाइनली। तो गाइस देखो पीछे स्नो कितनी सही लग रही है। हां बहुत तेज हो गई, देखिएगा पीछे सॉरी। ये देखो गैस वेस्ट कर रही है। टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। चाबी हेडिंग बैक टू बेस। सो गाइस अभी हम वॉक पे निकले हैं, ऑल दो स्नो पड़ी हुई है। हाँ अभी रात के 12:15 शायद हो गए, मतलब स्नो से देखो अंधेरा लग ही नहीं रहा ऊपर भी। तो गाइस मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड यस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।